अरे आ गए आप। हाँ मैं भी आपको ही कॉल करने वाली थी। क्यों, तुम्हारे भाई को फिर से पैसे की जरूरत पड़ गई? नहीं तो तुम्हारी मम्मी का रिचार्ज खत्म हो गया होगा। नहीं तो फिर क्या काम था? क्यों, मैं आपको वैसे फोन नहीं कर सकती कि कब आओगे, खाने में क्या खाओगे। अच्छा, कभी किया भी है फोन ये पूछने के लिए क्या खाओगे? रोज रोज दाल बना लेती हो। मुझे क्या बोल रहे हो, अपनी माँ को बोलो उनको चाहिए रोज रोज दाल। अच्छा कोई बात नहीं, बना लो तो दाल, लेकिन उसमें कुछ डालो तो सही। ना उसमें नमक होता है ना उसमें कोई स्वाद होता है। मिर्च मसाला डालने के लिए थोड़ा ना मना करती है माँ। रोज दाल खानी मंजूर है, लेकिन इनकी माँ को कोई कुछ मत बोलो। ठीक है सर, जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा सुनो, अब चाय तो बना दो। अदरक खत्म हो गई है, उसी के लिए फोन कर रही थी आपको। तो मुझ पे क्या चिल्ला रही हो, कौशल से मंगवा लिया करो। उसको तो कोई काम की बोलना मत, पूरे दिन गेम खेलता रहता है, तुमने बिगाड़ा है उसको। मैं करूँ भी तो क्या, मेरी सुनता कहाँ है वो। आओ मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं सुनता। कौशल? हाँ मम्मी। बेटा अदरक खत्म हो गई है मार्केट से, अदरक ला देना, तेरे पापा को चाय पीनी है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं ले आऊंगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, तू पढ़ ले, मैं ले आऊंगा। नहीं नहीं पापा, आप क्यों परेशान हो गए, मैं ले आऊंगा। वेरी गुड बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। देखना तुम एक दिन ही अपने बाप का नाम जरूर रोशन करेगा। हाँ पापा। अच्छा तो ले बेटा 100 रुपए, 20 की अदरक ले आना और बाकी बच्चे 80 की कोई भी सब्जी ले आना। हाँ मम्मी ठीक है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये जलने की बू कहां से आ रही है? अरे बाप रे, गैस बंद करना ही भूल गई। क्या करूं मैं इसका। हेलो हेलो। हाँ भाई। हाँ वीरे, कहाँ है? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, चड्डे पे। ठीक है चलाया, आ जा। और सुना दे तो भाई। भाई एक बढ़िया सी कॉलेज मिल गई है, बस अब 4 साल जल्दी से निकल जाए, फिर कोई MNC में बढ़िया सी जॉब करूंगा। अच्छा तो ये होता कॉलेज कौन सा है? BKBIT। ये कौन सा कॉलेज है, इसका तो नाम ही पहली बार सुना है। अरे तो शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है BK बिरला। बिरला वाला वो बिट्स पिलानी? नहीं वो नहीं है यार, बिरला का तो वही है, उसी के पास में है। तो बिरला का ही है ना? बस तो फिर बढ़िया ही होगा। अच्छा ये तो बताओ उसका एवरेज पैकेज क्या है? 3-4 लाख होगा। बस 3-4 लाख, इतने में क्या होगा? अरे ये तो स्टार्टिंग है, हाईएस्ट तो 14-15 लाख है। मुझे लगता है तू ला पाएगा। हाँ भाई उसकी टेंशन मत ले, तू 4 साल जम के मेहनत करूंगा। हाँ तेरी जम के मेहनत तो देखी थी मैंने 12th बोर्ड्स में। क्या मतलब? मतलब तो तुझे सब पता है, कैसे रात रात भर पबजी खेलता था लेट नाइट स्टडीज का नाम ले लेके। अरे वो टाइम अलग था यार, और अब तो पबजी बैन भी हो गया है। अब वापस आ गया, बस नाम चेंज करके BGMI रख दिया है। सच में? लेकिन अब मैं सीरियस हूँ यार कॉलेज को लेके। हाँ वो तो दिख रहा है। अरे तू टेंशन मत ले यार, इस बार सच में सीरियस हूँ मैं। देख ले यार, मैं तो इतना ही बोलूंगा, अगर तू सच में सीरियस है ना तो ही करना, नहीं तो फालतू में टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होगा। हाँ यार इस बार सोच लिया है, कुछ करना ही है। सही है भाई, कुछ कर लेगा तो तेरी लाइफ भी Chandrayaan-3 की लैंडिंग की तरह हो जाएगी, एकदम सेफ। हाँ यार वो Chandrayaan-3 भी सक्सेसफुली लैंड हो गया। Proud to be an Indian. क्यों आज ही क्यों प्राउड फील हो रहा है भाई? ये कोई छोटी बात थोड़ी है मून के साउथ पोल पे सेफली लैंड करना। तो मिशन मंगल भी सक्सेसफुल मिशन था, वो भी कोई छोटी बात नहीं थी। और Chandrayaan-1 भी सक्सेसफुल मिशन था, वो भी कोई छोटी बात नहीं थी। और Chandrayaan-3 का जो मिशन था ना, वही Chandrayaan-2 का मिशन था, बस उसकी लैंडिंग में कुछ इश्यूज आ गए, लेकिन उसका ऑर्बिटर आज भी मून के ऑर्बिट में सही काम कर रहा है। समझ गया भाई। भाई इंडियंस को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। और ये बात तो रोहित शर्मा ने ही बोली है कि ये जो तू मूवीज देखता है ना मार्वल DC की, ये हम भी बना सकते हैं अगर उतना बजट मिल जाए तो। अबे वो रोहित शर्मा नहीं, रोहित खत्री है। अबे रोहित खत्री तो वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। अरे हाँ। अरे वो क्या तो नाम है उसका, वो सिंगम वाला, रोहित शेट्टी। हाँ हाँ वही। ले नहीं यार ये लास्ट वाली, मैं नहीं पीता, होठ काले कर देती है। अरे लेना। और सुन एक बात हमेशा याद रखना, लड़की की चूत और सिगरेट की आखिरी घूंट में ही सबसे ज्यादा मजा है। और ये बात तो वो तेरे रोनाल्डो ने भी बोली है। हाँ ठीक है भाई, चल अभी चलते हैं मार्केट से सब्जी भी लेके जानी है घर पे। हाँ चल। तो क्या हुआ, ले ले सब्जी। अरे यार मम्मी को ही कॉल लगा रहा हूँ, बस अगर पूछ लूँ क्या लेना है। अरे क्या पूछना भाई, ला मुझे दे पैसे, इतने से काम के लिए कितना टाइम वेस्ट करता है। हाँ ले
ना पूरे दे तो दिए तुझे। अरे तो सोई है। हाँ तो सोई दिए हैं। क्या बोला तूने? अरे 100 की लेनी है सब्जी। 100 रुपए लेके निकला है घर से, क्या लेने? सब्जी लेने। भाई तू ये ले तेरे 100 रुपए, और एक काम कर घर पे पूछ ले क्या लेना है। और सुन मैं इधर ही खड़ा हूँ दो दुकान छोड़ के, तेरा हो जाए तो बता देना। अरे 2 मिनट रुक तो जा। नहीं भाई कोई बात नहीं, तू आराम से ले ले। हेलो। हाँ पापा मैं ये कह रहा था कि सब्जी कौन सी लेनी है। मेरे को क्या पता यार, तेरी मम्मी से ही पूछ। पापा मम्मी फोन नहीं उठा रही, आप ही पूछ के बता दो। हाँ बेटा एक सेकेंड। अरे सुनो। हाँ कौशल पूछ रहा है सब्जी कौन सी लेनी है। उसको बोला तो था 20 की अदरक ले लेना और बाकी 25 रुपए की कोई भी सब्जी ले लेना। हाँ हेलो। हाँ पापा। बेटा तेरी मम्मी बोल रही है पाव भर अदरक ले लेना और बाकी कोई भी तुझे अच्छी लगे वो सब्जी ले लेना। हाँ पापा ठीक है। हाँ भैया ये अदरक क्या भाव दी? भैया अदरक 80 की पाव, 300 रुपए किलो। What? तेरी माँ का अदरक मारो। 300 रुपए किलो। हेलो हेलो। हाँ पापा वो अदरक कितनी लेनी थी? बताया तो था पाव भर। फिर तो पापा सिर्फ अदरक ही आएगी। क्यों क्या हुआ? पापा अदरक 300 रुपए किलो है। क्या? Oh my God. अरे क्या हुआ? अदरक 300 रुपए किलो। हे भगवान, इस महंगाई की मार में गरीब आदमी खाए तो खाए क्या और हगे तो हगे क्या। खाने की तो ठीक है लेकिन हगने में क्या दिक्कत है? आदमी कुछ खाएगा तो ही तो हगेगा। भैया टमाटर ले जाओ, टमाटर सस्ते हो गए हैं। क्या भाव है टमाटर? टमाटर 50 रुपए किलो। हुआ? हेलो पापा। हाँ बेटा बोल। पापा टमाटर ले आऊं? ले तो आ बेटा लेकिन मैं पहले बैंक में जाके FD तुड़वा लेता हूँ। अरे पापा उसकी कोई जरूरत नहीं है, टमाटर अब सस्ते हो गए हैं। अच्छा क्या भाव चल रहा है? 50 रुपए किलो। हैं? अरे अब क्या हुआ? अरे टमाटर अब सस्ते हो गए हैं 50 रुपए किलो। बेटा तू छोड़ अदरक अदरक, सारे पैसों के टमाटर ही ले आ। हाँ हाँ ठीक है पापा मैं ले आऊंगा। अरे दुख भरे दिन गयो रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। अच्छा सुनो तुम्हारा फोन देना तो। क्यों? अरे एक बार दो तो। ओके गूगल, टमाटर वाली चाय कैसे बनाए? क्या दोगला आदमी है रे तू। पापा। अरे आ गया बेटा। पापा ये लो 20 की अदरक, 50 के टमाटर, 30 की भिंडी। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का। ओहो ड्रामे नहीं चाहिए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। किसी ने सही कहा है, जब बाप बेटे का साइज सेम हो जाए तो वो दोस्त बन जाते हैं। अब दोनों ने अपना नाप लिया? अरे तू विश्वास नहीं करेगा भाई, मेरे और पापा के शू का साइज सेम आता है। फिर तो सॉक्स का साइज भी सेम ही आता होगा। अरे कैसी बातें कर रहा है, सॉक्स का साइज भी तो सेम ही होगा ना। और क्या। अच्छा पापा चलो अभी अंदर चलते, इधर बहुत गर्मी लग रही है। हाँ बेटा चलो अंदर चलते हैं। भाई अब तो टमाटर सस्ते हो गए, इस बार होली आएगी तो टमाटर से होली खेलेंगे, एकदम टोमाटेना फेस्टिवल बना देंगे। बहन भाई मिलके होली खेलेंगे इस बार। पापा आप बताओ आपने भी खेली कभी टमाटर से होली? अरे खूब खेली है बेटा। कब? स्वागरात वाली रात को। अरे तेरे को घर जाना, चल मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ। हाँ पापा मैं इसको छोड़ के आया।